आज है 1 जनवरी 2020 और आज हम लोग जा रहे हैं वांद्री लेक सनराइज देखने के लिए। मीनवाइल हम लोग है विरार टोल नाका पे हाइब्रिड लेन में खड़े अपनी टोल कटवाने के लिए। देखते हैं, काफ़ी टाइम ले रहा है वैसे। सो जनरली वांद्री लेक जो है ये गुजरात रोड पे है, तो मैं इतना रोड वगैरह कुछ रिकॉर्ड कर नहीं रहा हूँ, बिकॉज आपने तो काफ़ी वीलॉग्स में देखा ही होगा। सो अभी हम लोग देखते हैं हमारा टोल एक्सपीरियंस कैसा है। लगता है कोई तो बिना टोल दिए ही भाग गया। बीच रास्ते पेट्रोल भरने की ज़रूरत पड़ी तो फिर एक पेट्रोल पंप पे रुक के मैंने पेट्रोल भर लिया। हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं वांद्री लेक और हल्की हल्की सी रोशनी हो चुकी है, जैसे कि आपको मेरे विंडशील्ड से यहाँ से दिख रहा होगा। और थैंक गॉड सनराइज अभी तक हुआ नहीं है, सो होपफुली वी मेक इट टू सी द सनराइज बिहाइंड द माउंटेंस। सो आई होप आपका न्यू ईयर अच्छा गया होगा, काफ़ी पार्टी वार्टी की रहेगी आप लोगों ने। काफ़ी लोग तो शायद पार्टी करके अभी सो रहे होंगे और हम लोग ऑलरेडी वांद्री लेक पहुँच चुके हैं। नया साल नया सूरज देखने के लिए थोड़ा आई एम ट्राइंग टू बी यू नो मोटिवेशन स्पीकर, जस्ट जोकिंग। सो ये आ चुके हैं हम लोग वांद्री लेक और जैसे कि मैंने कहा काफ़ी लोग ऑलरेडी आ चुके हैं, शायद पार्टी कर रहे हैं यहाँ पर। तो ऐसा कुछ नज़ारा था जब हम आए यहाँ पे सनराइज़ के लिए, सब लोग वेट कर रहे थे, हम भी वेट कर रहे थे और चारों तरफ फॉग ही फॉग था। वांद्री लेक की ख़ास बात यह है कि अगर आप यहाँ पर जाओ और यहाँ के पानी में आप हाथ डालो तो आपको पानी ठंडा नहीं लगेगा बल्कि पानी गर्म रहेगा। तो आप सोचोगे कि इतना ठंडा मौसम में फिर भी पानी कैसे गर्म है। सो ये एक नेचुरल यहाँ पे फिनोमेना है इसका, कि इसका पानी हमेशा आपको गर्म ही मिलेगा चाहे कैसा भी वेदर हो। तो उसको एंजॉय ज़रूर कीजिए। सो मैंने सनराइज़ का यहाँ पे टाइम लैप्स लिया है क्योंकि सनराइज़ जो होता है ये एक बड़ी लंबी प्रोसेस होती है। सो मैंने इसके लिए जल्दी दिखाने के लिए एक अच्छा सा टाइम लैप्स आपके लिए यहाँ पे शूट कर लिया है। एंजॉय कीजिए। सो नए साल का सनराइज भी देख लिया तो आई होप मम्मी ने एंजॉय किया। ये जो गांव के रास्ते होते हैं यहाँ पे गाड़ी काफ़ी आराम से चलाना होता है क्योंकि आप यहाँ पे कैसे भी नहीं चला सकते, कोई भी कभी भी सामने आ सकता है। तो यू हैव टू बी केयरफुल, खास करके जो जानवर रोड क्रॉस कर रहे हैं या ऐसे कभी गाय बैल का झुंड अगर आ गया तो आपको काफ़ी अच्छे से प्यार से गाड़ी चलाना होता है। सो वो एक आपको ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों। नेक्स्ट प्लान ये है कि हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे विरार टोल नाका के पास। सनराइज देखकर हो गया, काफ़ी मज़ा आया और माहौल भी, मौसम भी काफ़ी अच्छा था, ठंडा था, फॉग था सब जगह पे। अब बस वही ब्रेकफास्ट करके घर की तरफ जाएंगे। सो ये आज का फर्स्ट डे ऑफ 2020 का ऐसा कुछ छोटा सा प्लान आज मैंने। अब ये फिर से आ चुके हैं हम लोग विरार टोल पर। सो जैसे कि आपने देखा मैं आया, उसने स्कैन किया, 10 सेकंड लिए और हो गया, नॉट इवन 10 सेकंड, उससे कम में हो गया। 3-4 Gracias.
था कि हम लोग हाईवे पर नहीं खाएंगे और यहाँ मीरा रोड में आकर कीमा पाव खाएंगे, जो कि रसास के पास एक ईरानियन कैफ़े है जिसका नाम है कुतुब ईरानी टी एंड बन मस्का। यहाँ पर सुबह सुबह आपको कीमा पाव भी मिल जाएगा और यहाँ पे बन मस्का और चाय काफ़ी अच्छा मिलता है, तो अभी वही खाएंगे हम लोग। यहाँ पर तीन चाय और एक कीमा पाव, ऐसे कुछ होता है ईरानी चाय। ये कीमा पाव आ गया है और खुशबू तो काफ़ी अच्छी आ रही है कीमा पाव। आज का व्लॉग यहीं तक था, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा, और अगर आपको कभी भी सुबह नाश्ता वाश्ता करना है तो आप यहाँ पे आके खा सकते हो ईरानी कैफ़े में। ये लेट नाइट तक भी चालू रहता है और अर्ली मॉर्निंग भी खुल जाता है, सो देखते रहिए। और अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए,